far away. It's a big surprise for you, right? So hey D Extreme family, कैसे आप लोग? I hope you are doing well. कुछ देर पहले शिवालिक भैया ने मुझे अचानक फोन किया और बोला कि भाई आज वेलिंगटन चलना है, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है. तो मैंने पूछा कि भाई क्या शॉपिंग करना है आपको? तो बोला कुछ सरप्राइज है उनको, शायद जैकेट खरीदना है या ग्लव्स खरीदना है, कुछ भी हो. चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, रास्ते में मिलते हैं. पहले तो फ्यूल लोड करना है. तो अभी शिवालिक भैया फोन किया था फिर से और पूछ रहा था तू कहाँ पे है, मेरा काम खत्म हो चुका है, जल्दी से आ जा. तो मुझे घर से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया. अभी मैं शिवालिक भैया के घर में हूँ और शिवालिक भैया ने आज बहुत बड़ा झूठ बोला मुझसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया कि हम दोनों मिलकर आज जा रहे हैं वेलिंगटन कुछ सामान खरीदने. मैं सॉल्ट लेक गया तो पता चला भैया आज बाइक का डिलीवरी लेने वाला है. बताइए. कोई झूठ वूट नहीं बोला मैंने, प्लान अचानक से थोड़ा सा बन गया. थोड़ा बता दीजिए कितने दिन पहले आप बुक किए थे बाइक? मैं दिसंबर 26 को मैं बुक किया था और मैं बोला था कि शोरूम को मैं नंबर होने के बाद ही मैं डिलीवरी लूंगा, क्योंकि मेरा गैराज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो आज सब कुछ सॉल्व हो गया एंड नंबर प्लेट आ गया. देन नाउ मैं अभी जाऊंगा और बाइक लेके आऊंगा. मेरा दोस्त लोग आ रहा है, दिवंजन आ रहा है, सब लोग आ रहा है. तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. तो भैया स्कूटर लेके ऑल इंडिया राइड किया? स्कूटर मेरा वो है, वो भैया की पहली प्यार है और जो लेने जा रहा है वो दूसरी प्यार है. जो आ रही है वो मतलब बाइक में लेट में लिया, क्योंकि मैं सोचा कि मैं अगर बाइक का लायक बन जाऊं तब मैं लूं बाइक. देखिए पहले राइडर बनना बहुत तो जरूरी है. क्या बाइक है आपके पास वो कोई जरूरी नहीं है. मैं RS 200 है कि आपके पास तो ड्यूक है कि आपके पास RC 390 है. मेन चीज है आप उसको कैसे प्यार से तो चलाते हो और कितना लंबा चला पाते हो, कितना लॉन्ग स्ट्रेच कर पाते हो. मेन चीज वही है, राइडर तभी बनते. बाइक है थोड़ा सा भगाया मतलब बाइकर नहीं होते आप लोग. तो एक चीज बता दूं, क्लू देता हूं आप लोगों को, लेकिन बता नहीं सकता क्या बाइक है. ठीक है, 300 सेगमेंट की बाइक है. तो चलो नहीं नहीं, नहीं मैं MT लेने वाला हूं, ये सब तो झूठ मूठ बोल रहा है. MT 15, चलो देखते हैं क्या लेते हैं. So guys, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स आ चुके हैं यहाँ पे. संदीप भैया, सनड भैया रैपिडो लेके जल्दी से आ गया बिहार से. ओके, और हमारे बॉडी बिल्डर क्या खुश हो ना? रिएक्शंस बहुत अच्छा. अरे यार तुमने बेवकूफ बना दिया था लेकिन भैया ने ये लोग नहीं जानता था बाइक क्या है. इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? ये लोग जानता था कि MT 15 आने वाला है, लेकिन ये बाइक जो है वो बीस्ट है. सीरियसली It's a big surprise to you, right? তুমি বলেছিলে আর ওয়ান আসছে নাকি? তো ফাইনালি শিবালিক ভাইয়া কো বাইক মিল চুকি হ্যায়.
और शिवलिंग भैया गए हैं थोड़ा टेस्ट राइड लेने, हो गया बस, टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ न्यू बाइक। अगर गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा और आप लोग कैसे इन्जॉय किए। जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल डी एक्स पी ब्लॉगर को, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। और भैया व्लॉग एंड कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। अब खुश हो? नहीं नहीं, R1 चाहिए। अच्छा ठीक है, तो 5 साल बाद मिलेंगे R1 के साथ। तो भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो सब्सक्राइब टू श्योरली ड्यूल ट्यूबर। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।